Ah, tako ji. Aar ja. Assalamu alaikum, pehna da prao. Lale ta hai. Lale ta hai. Yaar, UK ni sardi and garmi bahut kharab hui. Toba. Acha ji, bahar subah nikte hain bhai. Kamre mein banda pakhya rehna. Warm rehna. Bahar niklo to sardi toba. It is such a slippery surface, or you have to walk. This is like a banda, was only slippery type of thing. Very bad condition, yar. Kasam se, snow, very bad thing. Hai ve. Maza, maza bhi aata hai dekhne ko, lekin very buri thing hai. Very buri, very zyada. Toba, ji. Aaj jare freeze hoyege. Delhi nikalna bahar niklena lekin kya kariye zimmedariyan hiyan kaam to karne pade bro te pano eh tusu ki pata headed into the red I want the green but ticking up again markets are responding but I think I am going to freeze. This is the snow. I am going to go to Manchester. I am going to be planning to go to the snow. I am going to go to the snow. I am going to go to the snow. I don't walk karne bhi utna ehtiyat zaruri hai nahi to bhai wrong kadam banda gaya aa dekho ji suraj nikla sun dhoop thodi jayi ye dekho ji hoy अच्छा पण तो प्रो तुम सोच रहे हो मैं कुछ जुदा है दरअसल मैं वैसा तो सही लास्ट वीडियो के में थोड़ी डाइटिंग वगैरह शुरू हुई है तो खाना खादा मैं थोड़ी उन एक्सरसाइज जरूरी है वेदर कुछ भी है बाने ना उन बनाना हूं बस करना ही करना वजन कम जरूरी है करना तो इस मुल्का नहीं गर्मी दे सर्दी बहुत बुरी है आ तो कौन स्नो ये देखिए मेरे भाई सूरज और ये मैं शॉप पे था मैंने कहा शायद कोई हॉट चॉकलेट वगैरह करता होगा मेरा भाई लेकिन कुछ नहीं करता तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर्दी बहुत ज्यादा है मेरे भाई और बहनों बहुत ज्यादा जो यूके में रहते हैं उनको तो पता होगा मेरे भाई और बहनों ये जो सामने आप बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो ना ये ब्लैकपन का बड़ा हॉस्पिटल है जी हाँ ब्लैकपन का बड़ा हॉस्पिटल दरअसल मैं रोन लगा रहा हूँ वॉकिंग कर रहा हूँ साथ में मैंने कहा आपको भी कुछ दिखा देता हूँ तो इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं हैकिंगटन जाने वाला हूँ वो आपसे बोला था मैंने आपको वहाँ की बड़ी मस्जिद आपको दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह फ्राइडे को वो आपको दिखाऊंगा जुमे के दिन और अभी धूप निकल आई है देख वो देखिए वहाँ धूप आपको नज़र आ रही है मौसम लेटर ऑन ठीक हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम भी है ना कि जो बर्फ़ है ना बर्फ़ बहुत डेंजरस है अगर मेल्ट होना शुरू हो गई ना तो ये जो ये ना यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत स्लिपरी सरफेस है मेरे भाई और मेरी बहनों बर्फ ही बर्फ और वो सामने रही धूप बॉय ये सर से निकले सो ये रहा ब्लैकपन का हॉस्पिटल बड़े वाला हॉस्पिटल में अभी क्या बोलूँ यहाँ मैं हॉस्पिटल्स का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मेरा लाइक वो तो ऑब्वियस है अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखोगे अच्छा खाओगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी जिस दिन हम उल्टा पुल्टा खाना शुरू हो जाते हैं तभी हम बीमार होते हैं सो मैं कौन हूँ बोलने वाला यार खुद मैं मोटा हो गया हूँ सो अभी इसलिए मैंने कहा कि बारिश हो कुछ भी हो ऐसे मुझे एक्सरसाइज डाइट करनी मेरे भाई सो दिल तो नहीं कर रहा तो बाहर आने का लेकिन क्या करूँ चेंजिंग का अपने आप को नहीं करूँगा तो चेंजिंग होगी नहीं मेरे भाई ब्लैकपन का हॉस्पिटल जो मैं आपको बोल रहा था काफ़ी बड़ा है बहुत ही बड़ा है ये देखिए मेरे भाई और मेरी बहनों
स्नो तो हर जगह है मेरे भाई। और मेरी ये भी सारा हॉस्पिटल ही है मेरे भाई। ये भी देखिए कस्टा का हॉट चॉकलेट लिया। जी जी हाँ मेरे भाई, आप कहेंगे ये बड़ी बड़ी छोड़ता है फिर जाके मीठा पी रहा है। कसम से मेरे भाई, ऐसे सर्दी में अगर आप भी बाहर आओगे तो कहोगे यार कोई गर्म चीज़ हो जाए। कॉफ़ी शॉफ़ी तो मैं इतनी पीता नहीं, ना मुझे पसंद है कड़वा टेस्ट है, तो मैंने कहा हॉट चॉकलेट पीता हूँ यार, बहुत ज़्यादा सर्दी है कसम से। हॉस्पिटल है मेरे भाई, ये सारा भी तो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई, वो सब लखपन हॉस्पिटल है, टुकड़ों में बटा हुआ है। बट ये नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन कसम से सर्दी बहुत ज़्यादा है, मजबूरी में लिया। लेकिन अभी बर्न कर रहा हूँ कैलोरीज, तो ये भी बर्न हो जाएगा इंशाल्लाह। और घर चलते हैं, सोते फिर उठते देखते हैं खाने को क्या है। तो चलो मेरे भैया, फिर आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में, ख्याल रखिएगा अपना। ओके आपसे मेरे भैया और मेरी बहनों, देखिए यार कसम से अब 60s में बाबा जी ने KFC जो है बेच दिया था। बाबा जी ने मिलियन का जो है KFC बेच दिया था यम को, एक रेस्टोरेंट चैन है। जी की तबीयत ख़राब हो गई, KFC के जो रियल ओनर थे 60s में, उन्होंने 1 मिलियन का बेच दिया था, फिर उसके बाद ओवरसी उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अभी जो ऑन कर रहे KFC वो यम्स एक रेस्टोरेंट कंपनी है, फ्रेंचाइज है उनके, ये पिज़्ज़ा हट भी उनका है। एंड देखिए एक आदमी ने कंटक्की में छोटे से टाउन में एक चीज़ सोची, एंड आज पूरी दुनिया भर में उसी का नाम है KFC। जहाँ भी जाओ किसी भी कंट्री में आपको KFC मिलेगा नज़र आएगा। सो कहते ना कि सपना कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हिम्मत चाहिए पूरा करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग बात यार, 1 मिलियन में उन्होंने बेच दिया, उसके बाद KFC कंटक्की एक छोटा सा टाउन है, शहर है, स्टेट है अमेरिका में, वहाँ से पूरी दुनिया में KFC छा गई। क्यों मेरे भाई, मेरी बहनों, पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं मेरे भाई? ओ माय डेज, ये देखिए बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, तोबा 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 तोबा। और ये देखिए